मेरा भाई है दुनिया में और आखिरत में। लेकिन बहरहाल इसमें नहीं कहा जा सकता कि फौज हमारी मासूम है, ये इदारे हमारे मासूम हैं। तो गैर मासूम कोई ना कोई तो गड़बड़ थोड़ी बहुत हो ही जाती है। लिहाजा जहां वहादत पैदा करनी थी उनकी, वहां उन्होंने कोशिश की कि कुछ तफरीक भी पैदा करें। नए नए बोर्ड बनाए गए हैं ताकि इनकी वजह से, पहले 5 मजहब थे पूरे मुल्क में, उनका एक एक बोर्ड नुमाइंदा होता था, एक एक तंजीम नुमाइंदा होती थी। मलेशिया में आगा साहब को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, आपके जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। मजमौल मदारिस का जो अभी आज आगाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से इसके भी बहुत अच्छे नताइज इत्तेहाद उम्मत के ज़िमन में निकलेंगे। सब ने अपने अपने वफाक पेश किए। मैं एक बात कह दूं, अल्लाह ने अल्लामा सैयद जवाहर नकवी, सईदों का खून ही अल्लाह ने अलग सा बनाया, ना इन्होंने किसी की परवाह अल्लाह तो सिवा। मैंने बड़े लोग रोकते ने, उथे जाना कहते लोग क्यों जी, अब पूछ लो कदमी समय में होता कि नहीं होता। और मैं तरीक कर चलिया ना, मैं पूरे 2 महीने भुगतांगा, सवेर तो फेसबुक देखना अल्लाह, हमें कोई परवाह नहीं। सदाकत बयान करने से मोमिन रक नहीं सकता, उतर सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, अपने भी ना लाए मुझसे बेगाने भी ना खुश। मैं जहरे हलाहल को कभी कह ना सका कम। ये भी सैयद है, सैयदा फातिमा का खून, हैदर करार का खून इनकी रगों में। सब ने वफाक पेश किए और मजमौल मदारस की फैल भी मैंने देखी। अगली बात सुनाना कह रहे हैं अंदर, ये सर मजमौल मदारस ऐसा है, इसमें उन्होंने नहीं लिखा फिरका वाराना, सब ने लिखा ये हमारा देवबंद का होगा, ये बरेलवियों का होगा, ये अहले हदीस का होगा। और सैयद जवाद नकवी को रब नहीं है तौफीक दी, इसने लिखा मजमौल मदारिस होगा तो सारी उम्मत का होगा, सारे मुसलमानों का होगा। मैं सलाम पेश कर रहा हूं, करता हूं आपकी अजमत को। अल्लाह आपके ये जज्बा की पूरी टीम में मुंतकल कर दे और मजमौल मदारिस को आप इसी तरह चलाए। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर कोई फनी मसला ना हुआ आपके लिए और कोई ऐसी पाबंदी ना हुई तो इंशाल्लाह मजमौल मदारिस को मैं यकीन दिलाता हूं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से वाबस्ता सारे मदारिस इंशाल्लाह मैं आपके साथ जोड़ दूंगा।